हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम प्रियंका सैनी है। आई हैव डन MSc बायोटेक्नोलॉजी, MEd एंड माय स्पेशलिटी इन द बायोलॉजी। साइंस मेरा बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं जानते भी हूँ बच्चों को साइंस पढ़ने में कहाँ कहाँ कैसी कैसी दिक्कत आती है। उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास हूँ आज, ताकि मैं आपको आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ, जिससे कि आप ना सिर्फ उन्हें समझें बल्कि उन्हें याद भी रख सकें। टिल क्लास 5th वी आर हैविंग वन सब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS, दैट इंक्लूड्स योर सराउंडिंग, योर इन्वायरमेंट, ऑल द बेसिक थिंग्स। बट वेन यू आर एंटरिंग इन टू क्लास 6, जब आप क्लास 6 में आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको एक और नया सब्जेक्ट मिला है जो कि बहुत अलग है। जहाँ कुछ बच्चे साइंस को लेकर बहुत डरना शुरू कर देते हैं, पर हमारे इस वीडियो के जरिए बच्चे बहुत अच्छे से हर टॉपिक को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। मेरा बेस्ट मेथड जो है वो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू टीच करूँगी, जिससे कि आपका बच्चा क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज फूड। चैप्टर 1, क्लास 6, चैप्टर नेम इज फूड। ये चैप्टर का पूरा नाम नहीं है, चैप्टर का पूरा नाम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मीन्स कि आपका फूड आता कहाँ से है। फूड, हर बच्चे का पहला क्वेश्चन यही होता है कि फूड क्या होता है। एवरीबडी नोज फूड क्या होता है। जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो चीज़ हमें एनर्जी दे रही है, ऊर्जा दे रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड। पर फूड सिर्फ इतना समझना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये कहाँ से मिलता है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं, किस किस काम ये आता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम, दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्टरी डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फूड? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगी आपको? फूड के थ्रू मिलेगी। और फूड कहाँ से मिलेगा? उसके सोर्सेस से। एंड इट्स सोर्सेस। सो ये है हमारे फ्लो चार्ट की पहली टेबल। इसके बाद, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फूड मिलता है हमें दो सोर्सेस से। सबसे पहला जो सोर्स है इसका, वो है प्लांट्स, और दूसरा सोर्स है इसका एनिमल्स। प्लांट्स आपको हर तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपके सीरियल्स, पल्स, अनाज, दालें, फल, फ्रूट, सब कुछ आता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हम पौधे का हर एक हिस्सा खाने में यूटिलाइज करता है, पर वो अलग अलग होता है हर पौधे के हिसाब से। सो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी फूड की, फूड में कोई भी खाना पकाती है आपकी मदर, सो सबसे पहले वो क्या लेती है उसको बनाने के लिए? उसके इंग्रेडिएंट्स। साथ के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बताऊंगी, जो कि आपको CBSE और NCERT की बुक्स में मिलेंगी, ताकि जब आप क्लास में इस चैप्टर को पढ़ो, आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहला जो मेरी डेफिनेशन है वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट किसे कहेंगे हम? इंग्रेडिएंट वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा हमारा खाना बनाया जाता है। सब्सटेंस दैट वी आर यूज्ड to cook the food, they are known as the ingredients, right? And from where we are getting these ingredients? हमें ये ingredients कहाँ से मिलते हैं? या तो हम वो plant से लेते हैं, या फिर वो हम animal से लेते हैं। Next thing, plant का कौन कौन से हिस्से को हम खाने के लिए use कर सकते हैं? Which all parts are edible in the plants? Next thing, next definition is edible. Edible. Edible means eatable, the plant, the part of the plant which we can eat. Like in some plants, we can eat its root, not the leaves. और कुछ
पौधों में हम इसके पत्ते खा सकते हैं पर इसका जड़ नहीं खा सकते, एम आई राइट? चलो डिस्कस करते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से हिस्से हैं। प्लांट्स की हम रूट्स, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर एंड सीड्स, ये सब पार्ट्स हैं जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे से लेके। क्या मुझे आप बताएंगे कुछ एग्जांपल? मुझे कमेंट में आप लिख के बताइए कि किन किन प्लांट्स की आप रूट्स खाते हैं, किन किन प्लांट्स की आप स्टेम यूज़ करते हैं। चलो स्टेम का बहुत अच्छा सा इजी एग्जांपल मैं देती हूँ, जो कि आपकी समर का फेवरेट जूस है, शुगर केन, गन्ने का जूस, दैट इज़ द स्टेम। फ्रूट्स एवरीबडी नोज, सीड्स ऑब्वियसली, सीड्स वी आर यूजिंग लॉट ऑफ सीड्स इन आर फूड रेगुलर, ऑन द रेगुलर बेसिस, आस्क योर मॉम एंड राइट इन द कमेंट्स। फ्लावर, कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल, सुहांजना का फूल, जो कि यूजुअली हम लोग सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लीव्स, योर स्पिनिच, मिंट, ऑल आर द लीव्स, थाई लीव्स, करी लीव्स, ऑल आर द लीव्स दैट वी आर यूजिंग टू कुक द फूड। एक्सेप्ट दीज प्लांट्स, हाउ कैन वी फॉरगॉट अबाउट द एनिमल्स? एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग अस व्हाट? एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग अस मीट, एग, मिल्क, फिश एंड मेनी मोर थिंग्स दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एनिमल्स। नाउ लाइक डिस्कस वन थिंग, वी आर द एनिमल्स, ह्यूमन इज द एनिमल विच कैन ईट फ्लोर दैट कम्स फ्रॉम व्हीट, व्हीट सीड्स, राइस दैट कम्स फ्रॉम बार्ली, एम आई राइट? सो दीज प्लांट्स, वी आर ईटिंग दीज प्लांट्स, वट वी आर द हर्बीवोर्स, वट वी आर द हर्बीवोर्स। नाउ जस्ट टेक द डेफिनेशन, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स और द लिविंग बींग्स, दोज हु आर सर्वाइविंग और दोज हु आर ईटिंग प्लांट्स ओनली, दोज हु आर ईटिंग ओनली प्लांट्स, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल? दोज आर ओनली हर्बीवोर्स लाइक यस रैबिट, योर एलिफेंट एंड मैनी मोर। नेक्स्ट एनिमल्स, दोज हु आर ईटिंग द मीट, एग्स, एग्जाम्पल लायन, टाइगर। बट If you will see humans, we are eating all these things as well as milk. We are taking eggs also. We are taking meat also. We are taking fish also. So what we are? We are omnivores. We are omnivores. So before we are going to omnivores, let's take the name of those who are eating only animal products. They are known as carnivores. They are known as carnivores, right? Now, next, those who are eating the both thing, that is omnivores. That is omnivores. Those who are eating from the plants and from the animal. Let me tell you very important thing. This diagram is the introductory diagram of the chapter 1, that is food, where does it comes from. If you will draw this diagram in the first page of your notebook, science notebook, your teacher will be very impressed from you, because this simple and learnable diagram will solve many more questions. Let me tell you how many questions this diagram has solved. First, what do you mean by food? What are the different sources of food? What do you mean by herbivores? What do you mean by carnivores? What do you mean by omnivores? What are the examples of herbivores? What are the example of carnivores? Who are, what we are? We are herbivores, carnivores or omnivores? So through this one diagram, you are able to give answer of many questions. So
टू फॉलो मी, जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई चैनल एंड यू विल गेट मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, वेरी सिंपल टॉपिक्स एंड यू विल गो थ्रू योर सिलेबस वेरी क्विकली इन द डायग्रामेटिकल फॉर्म. थैंक यू.